हेलो गाइस, हमेशा की तरह मैं आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। ये रेसिपी है नूडल्स। जो बैचलर होते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेजों में रहते हैं या घर पे अकेले भी रहते हैं, वो झटपट किस तरह इसे बना लेंगे, मैं रेसिपी को नई तरीके से आप लोग को बनाकर दिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं एक अनियन ली हूँ क्वांटिटी के हिसाब से, एकदम बारीक कटे हुए बीन्स ली हूँ और कुछ हरी मिर्च ली हूँ, टमाटर ली हूँ, सिजवान सॉस ली हूँ और ब्लैक पेपर ली हूँ, धनिया पाउडर, थोड़े मिर्ची के पाउडर और मैं ये यूज़ कर रही हूँ चिंग्स के नूडल्स। आप लोग मैगी भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें जो पैकेट देता है मसाला का वो भी मैं यूज़ करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक पैन लेते हैं, इसे थोड़ा हॉट कर देते हैं, फिर थोड़ा ऑयल लेते हैं, छोटे टीस्पून ना 2 टीस्पून। मैंने 2 बाइट लिया है, ऐसे 2 बाइट, 2 मसाले के पाउच। अब हम इसमें यूज करेंगे अनियन। सबसे पहले फ्लेम हाई रहेंगे फिर लो कर देंगे। आप इसमें गाजर और कैप्सिकम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं, ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप एक बार बना कर देखिए, क्योंकि खाली ऐसे खाते खाते इंसान बोर हो जाता है। खाली इसमें जो मसाले होते हैं इसे डालकर बैचलर लोग बना देते हैं तो बड़ा बोरिंग सा लगता है। तो मैंने अपने हिसाब से निकाली हूँ, जो थोड़ा धनिया थोड़ा ये सब डालने से कैसे बनेंगे, तो मेरे घर में भी हमेशा यही यूज़ होता है। मेन होता है इसका ब्राउन करना है इसे, तभी इसमें पूरा बहुत ही मज़ेदार लगेगा टेस्ट। आप और भी ऑनियन ले सकते हैं, मैं लेकिन एक ली हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से ब्राउन कर देती हूँ। अब ये ब्राउन होने लगे हैं ना, ज़्यादा नहीं हुए कम, तो इसी वक्त हम इसे बीन्स डाल देंगे ताकि इसमें थोड़ा पक जाएंगे और साथ साथ हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे। फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। फिर थोड़ा मैं सॉल्ट डालती हूँ इसमें। फिर अब हम सूखा मसाला इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा धनिया के पाउडर, थोड़े थोड़े डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लाल मिर्च और चुटकी भर हल्दी। फिर इसे हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें देखना आप, एक स्मेल आने लगता है खुशबू धनिया वगैरह का। अब मैं इसमें डालूंगी मेन चीज़, सिजवान सॉस 1 टीस्पून भर के, नहीं 2 टीस्पून डाल देते हैं। आप लोग देख लीजिए यही है सिजवान सॉस। और मैं अब डालूंगी इसमें ब्लैक पेपर, वो भी थोड़े से डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी नूडल्स में जो तो पैकेट मिलते हैं मसाले के, अब मैं इसे भी डालूंगी। मैं 2 पैकेट इसलिए डाल रही हूँ कि मैं 2 बाइट ली हूँ इसलिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आपके अंदाज से आप इसमें पानी ऐड करेंगे, फिर सारे मसाले को ऐसे मिक्स कर देंगे। और थोड़ा मैं पानी लेती हूँ, बस इतने। अब मैं इसमें इस
बाइट को ऐड करूंगा। आप इसी वक्त इसमें सॉल्ट भी चेक कर सकते हैं। हम इसे अभी मीडियम फ्लेम में इसे कवर करके 2 मिनट पकाएंगे। चलो देखते हैं बना के नहीं। ये देखिए बन चुका है, बहुत ही मजेदार बने हैं, देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप लोग जरूर इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और आप इसमें और भी ज़्यादा वेजिटेबल डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रिफर करती हूँ बीन्स, क्योंकि ज़्यादा वेजिटेबल अच्छे नहीं लगते हैं। चलो मैं सर्व करती हूँ, गैस ऑफ करती हूँ। ये बन गए हैं अब। आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, खास करके बैचलर लोग। और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।